कार्य संकल्प पत्र को आकार समा या भाजपा, यूपी पुलिस की बंदूक से कौन लगाएगा सत्ता पर निशाना? सपा या भाजपा, कौन करेगा यूपी पुलिस का विकास? सपा या भाजपा, कौन करेगा यूपी पुलिस का विस्तार? सपा या भाजपा, किसके राज में होगी यूपी पुलिस की चांदी? तमाम शोरगुल के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनावी प्रचार प्रसार खत्म हो गया। कल यानी 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर जनता अपने मत का दान करेगी। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले भाजपा और सपा की ओर से जनता के लिए मैनिफेस्टो जारी किया गया है। सपा और भाजपा के वचन पत्र कहें या घोषणा पत्र, सरकार किसी की भी बने, सत्ता में भाजपा आए या सपा या कोई और पार्टी, प्रदेश में यूपी पुलिस की चांदी होने वाली है। एक तरफ जहां भाजपा ने अपने घोषणा पत्र का नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र दिया है, तो सपा ने अपने घोषणा पत्र को समाजवादी वचन पत्र का नाम दिया है। भाजपा ने तमाम वादे करते हुए किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, युवाओं को मुफ्त टैबलेट, स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया है। भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में अगर हम केवल यूपी पुलिस की ओर नजर डालें, तो संकल्प पत्र में प्रदेश की कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस विभाग के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी की मौजूदगी में लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। प्रदेश भर में पुलिस कर्मियों के आवास के लिए बैरकों का निर्माण किया जाएगा। आगामी समय में पुलिस विभाग के कर्मचारियों को आवास की सुविधा देने के लिए बिल्डिंगों की जल्द से जल्द मरम्मत की जाएगी। 3 नई मंजिला बटालियन के नेटवर्क का विस्तार कर उसे दोगुना करते हुए महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। सभी सार्वजनिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रदेश में 3000 पिंक पुलिस बूथ स्थापित किए जाएंगे। सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी की मौजूदगी में कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है। उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाने का संकल्प पत्र है। केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री है, यहाँ पर फिर एक बार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप हमारी सरकार बनाइए। ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को गवाई हुई सभी गरिमा फिर से एक बार लौटाएगी और उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र के अंदर देश में नंबर 1 प्रदेश बनेगा, श्रेष्ठ प्रदेश बनेगा, इसका हमारा संकल्प है। फिर से एक बार बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश की महान जनता से 2014, 2017 और 2019 में आपने हमें मन खोलकर भोले शंकर की तरह आशीर्वाद दिया है, फिर से एक बार आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। 300 पार की मजबूती के साथ आप सरकार बनाकर दीजिए, हम हमारे संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वंदे मातरम। भाजपा को टक्कर देने और सत्ता की उम्मीदों को चुस्त करने के लिए सपा ने भी मिशन मुफ्त का भरोसा किया है। युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, श्रमिकों, व्यापारियों और महिलाओं से लेकर कलाकारों तक के लिए एक मुश्त वादे हैं। सपा के समाजवादी वचन पत्र में यूपी पुलिस की बात करें तो भाजपा के जैसे ही सपा के भी वादे हैं। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घोषणा पत्र को जारी किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ऐलानों में कहा कि सरकार आने पर वो पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम 15 मिनट से कम करने पर काम करेंगे। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए हेट क्राइम पर जीरो टॉलरेंस काम करेगी। आगामी समय में उत्तरदायी पुलिस प्रणाली विकसित करेंगे जो मानव और जनता के लिए बेहतर काम करे। सरकार आने पर वो साइबर क्राइम यूनिट्स की स्थापना करेंगे। अखिलेश यादव ने समाजवादी वचन पत्र जारी करते हुए कहा कि ये सत्य वचन अटूट वादा के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। सपा ने जितने भी वादे किए हैं, सरकार बनने पर पूरा जरूर किया जाएगा। मैं यूपी के किसानों और जनता के सामने वचन पत्र रख रहा हूं। 12 से 17 में कई ऐसी चीजें जो घोषणा पत्र में शामिल नहीं थी, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाया और बड़े बड़े काम करके दिखाए।
आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, जो सत्य वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी जनता के बीच में जो वादे किए होंगे, सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया है। बहरहाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनावी प्रचार प्रसार खत्म हो गया है। कल 10 फरवरी को जनता लोकतंत्र के त्योहार को मनाते हुए मतदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करते हुए यूपी पुलिस के लिए अपना दिल खोला है, तो वहीं सपा ने भी अपने पत्र में यूपी पुलिस के विकास और विस्तार की बात की है। देखने वाली बात होगी कि यूपी पुलिस के कंधे पर बंदूक रखकर सत्ता का निशाना कौन साध पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस मीडिया न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच।